नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है खुशहाल होम गार्डनिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल की। ये देखिए कितना अच्छा मेरा फ्लावर आ रहा है गुड़हल का, कितना बड़ा साइज आया गुड़हल का। और इसी तरीके से मेरी कई सारी कलियां भी बन रही हैं, वो देखिए पीछे भी हैं काफ़ी सारे। तो ये देखिए छोटे से पॉट में ही लगे हुए हैं, 12 इंची के पॉट है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कैसे आप इसमें से इतने ढेरों फूल ले सकते हैं, कैसे इसको चींटियों से बचाएं। देखिए दोस्तों इसमें चींटियां लगी हुई हैं छोटी छोटी, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद से आपके पौधे पे भी बाइट्स अटैक कर देते होंगे, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे गुड़हल के पौधे की, तो ये मेरे गुड़हल का जो पौधा है ये 1 साल से ज़्यादा का नहीं है। 1 साल में इसे इतनी ग्रोथ कैसे पकड़ी? देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो गुड़हल का पौधा है मैंने इसकी जो है कटिंग करी थी, ठीक है। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, तो समय समय पर मैं इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करता रहता था। तो ये काफ़ी अच्छा समय चल रहा है प्रूनिंग करने का अगर आपका पौधा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अभी ये सावन का टाइम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन है। तो वैसे तो इसमें ऑटोमेटिक ही आपका पौधा ग्रो करेगा। अगर आपका नहीं भी कर रहा है तो हल्की फुल्की प्रूनिंग कर दीजिए और एक थोड़ा छोड़ दीजिए, अपना आप ही ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये देखिए कितनी सारी कलियां बन रही हैं दोस्तों, ये देखिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं कुछ भी अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैं अगर इसको दूंगा कुछ तो बारिश के मौसम की वजह से ये पानी में निकल जाएगा नीचे से, ठीक है। तो ये जो पुरानी मेरी जो खाद है गाय के गोबर की खाद, वही इसके अंदर डली हुई है नीम की खली हुई। पर दोस्तों मैंने इसमें अगर सफ़ेद सफ़ेद सा देख रहे हैं तो इसमें मैंने कैल्शियम भी डाला था। कैल्शियम मैंने इसमें 1 महीने पहले डाल दिया था, जिससे कि मेरे पौधे में जान रहे। और अभी देख सकते हैं कितना ही मेरा हरा भरा पौधा है, कितनी हरी पत्तियां हैं इसकी। ये देखिए कितने सारे बड्स निकल रहे हैं नए नए, अगर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे इसका बड़ा जो राज है घना करने का, इसका प्रूनिंग का राज होता है। आप प्रूनिंग करते रहेंगे, आप कटिंग करते रहेंगे समय समय पर शाखाओं की, तो आपका जो पौधा है थोड़े से ही छोटे से ही पॉट में काफ़ी हरा भरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये, अगर इसकी मैं हाइट की बात करूं तो कम से कम इसे 3.5 फीट हाइट ले चुका है ये अपनी। पर अगर आपके पौधे पे इस तरीके से चींटियों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए, तो इसका तरीका मैं बता देता हूं दोस्तों। इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, ठीक है, या फिर सोडे का पानी का आप यूज़ कर सकते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है। ये देखिए दिखा देता हूँ, ये जो है इसे बेकिंग सोडा का आप यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी में मिला लीजिए, इसमें स्प्रे कर दीजिए, तो ये अपना आप 1 या 2 दिन में हट जाएगा। और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है दोस्तों बारिश के मौसम में। और अगर आपके किसी भी पौधे पर इस तरीके से हो रहा है तो आपको ये 2 चीज़ करनी है, या तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, या फिर आप बेकिंग सोडा जो घर में होता है उसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। अगर आपको बेकिंग सोडा भी दोस्तों नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा नींबू काट लीजिए आधा, नींबू को पानी में या डायरेक्टली इसको स्प्रे करना होगा। पर याद रहे सारे पौधे पर ना करें जहाँ पे नींबू का, तो नींबू का अगर यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ पर ये है व्हाइट कलर का, जिन्होंने अपना घर बना लिया, अंडे दे दिए, एग दे दिए, इसी पे करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी बेकिंग सोडा सबसे अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं, और कि मेरी जो लीव्स हैं पत्तियाँ हैं, ये देखिए कितनी हरी भरी कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, कितनी प्यारी पत्तियाँ आ रही हैं दोस्तों। और अगर मैं स्टेम की मोटाई की बात करूं, ये देखिए कितने अच्छा खासा स्टेम आ रहा है मोटा बनके। तो ये मेरे 12 इंची के पॉट में ही है, और अभी ये 12 इंची के पॉट में ही रहेगा तो आने वाले कुछ टाइम तक। तो जब मुझे लगेगा किसी बड़े पॉट में, तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंची से 16 इंची 14 इंची के पॉट में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये देखिए कितना सुंदर है। तो दोस्तों मैंने आज आपको 2 टिप्स बताई हैं। एक तो अपने पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा प्रूनिंग कीजिए, प्रूनिंग करने से पौधा स्वस्थ हो जाता है, हरा भरा होता है और अच्छे से शाखाएं निकल के आती है, ज़्यादा से ज़्यादा कलियां निकल के आती हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे हर पौधे पे 15 से 20 कलियां हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसी तरीके से 5, 6 नीचे भी हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों में ढूंढने पड़ेंगे, तो मेरे कम से कम मेरे हिसाब से 15 कलियां हर पौधे पे है। तो मेरे पास 2 पौधे हैं इसके, और देखो फूल का साइज भी कितना प्यारा, कितना बड़ा साइज आया है। तो इसी तरीके से मेरे हर फ्लावर निकल के आ रहे हैं, नीचे भी तरफ फ्लावर है,
एक ये फ्लावर खिल चुका है अभी तक, तो इसी तरीके से आप फ्लावर ले सकते हैं। अब 12 इंच के पॉट से दोस्तों अगर आपको रोज 5 या 6 फ्लावर मिल रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।